नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैसी टेक में। आज की टेक न्यूज़ में बहुत सारे अपडेट से भरे पड़े हैं, तो चलिए अपने टेक न्यूज़ के पहला न्यूज़ हमारे पास आ रहा है इंडिया से ही। इंडिया में 43 चाइनीज ऐप्स बैन हो चुके हैं। आप देख लो ये लिस्ट कौन कौन से ऐप हैं, बहुत बड़ी खबर है ये। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स 08i इंडिया में लॉन्च होने वाली है। उसकी लॉन्च डेट आ चुकी है, 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी, तो देखते हैं कैसा होता है ये फ़ोन। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है शॉमी से। शॉमी ने एक पेटेंट फाइल कर दिया है फोल्डेबल फ़ोन का। उसमें पॉपअप कैमरा निकल करके आएगा, आप देख लो कैसा टाइप का ये इमेजेस। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है लावा से। लावा Z93P स्पॉट हो चुका है गीक बेंच पे। एंड्रॉयड 10 होगा उसमें, 3GB रैम होगी, और जो प्रोसेसर है, मैंने पहली बार इस प्रोसेसर का नाम सुना है, स्प्रेक्ट्रम प्रोसेसर SP9863A3C10, पता नहीं कैसा टाइप का प्रोसेसर ला रहा है, देखते हैं कैसा होता है फ़ोन। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है वीवो से। वीवो और iQOO इन्हीं दोनों में से किसी स्मार्टफोन आने वाला है। डिजिटल चैट स्टेशन ने इसे ट्वीट करके बताया है, जनवरी से मार्च महीने में Q1 सीरीज में आएगी ये 2021 में। उसमें स्नैपड्रैगन 875 होगा, 3K प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन होगा, हाई रिफ्रेश रेट होगा, उसमें सुपर फ्लैश चार्ज होगा, मे भी हो सकता है कि 100 वाट से ऊपर वाला चार्जर हो। सोनी का कैमरा सेंसर होगा, IMX7 सीरीज में कुछ होगा, तो देखते हैं कब आती है फ़ोन। अगली खबर बहुत बड़ी है, ओप्पो X2021 जो आने वाला था, ओप्पो का रोलिंग डिस्प्ले वाला फ़ोन, वो ओप्पो ने फिलहाल बताया कि वो नहीं लाने वाले हैं। वो जिसमें था कि 6.7 इंचेस का स्क्रीन था, उसको बड़ा करके 7.1 इंचेस का स्क्रीन कर सकते हो, वो नहीं लाने वाला है फ़ोन। कुछ ही दिन पहले उन्होंने पेटेंट फाइल किया था। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है पोको से। पोको M3 का बहुत सारा स्पेक्स हमारे पास आ चुका है, ऑलमोस्ट सारा स्पेक्स आ चुका है। उसमें 6000mAh की बैटरी होगी, डिस्प्ले 6.53 इंचेस की होगी, और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 662 पे रन करेगा वो, देखते हैं कब तक और कैसा फोन होता है। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है गूगल से। गूगल टेस्ट कर रहा है टास्क मेट ऐप, जिसमें कि इंडिया में वो टेस्ट कर रहा है, जिसमें कि आपको एक टास्क दिया जाएगा। अगर आप टास्क कंप्लीट कर लेते तो आपको पेमेंट मिलती है, मतलब लोकल करेंसी में ही, जैसे इंडियन रुपीज़ है तो इंडियन रुपीज़ में आपको करेंसी पैसे मिलेंगे कुछ काम करने के लिए। उसमें टास्क दिए जाएंगे आपको, अगर आपने कंप्लीट किया तो पैसे मिलेंगे, देखते हैं कब तक होता है, अभी तो बीटा वर्जन में है। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है OnePlus से। OnePlus 8T में अब ऑक्सीजन OS का अपडेट आ चुका है, 11.0.5.6 अपडेट आ चुका है, जिसमें आपका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, कैमरा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, इन ऑल यूजर एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लो। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है पबजी से। पबजी कॉरपोरेशन ने रजिस्टर कर दिया है पबजी मोबाइल इंडिया एज ए कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में उन्होंने रजिस्टर किया है, और पबजी मोबाइल इंडिया, इसका मतलब है कि वो कुछ ही दिनों में आने वाली है पबजी मोबाइल इंडिया बनकर के। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है सैमसंग से की तरफ से, मतलब दुखद खबर है, गैलेक्सी नोट सीरीज वो बंद करने वाले हैं। जो उसमें एस पेन मिलता था, आपको एस सीरीज और जेड सीरीज में मिलेंगे, मतलब जेड का फोल्ड सीरीज आता है उसमें मिलेंगे आपको। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे टेक न्यूज और टेक रिलेटेड टिप्स के लिए। अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग।